डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2087 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। इस बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश किया गया है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज मीडिया से इस बारे में वार्ता कर रहे थे। देखिए, इस लोकसभा का अंतिम सत्र ये चल रहा है। 31 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना संबोधन संवेद सदन को प्रदान किया और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ। तो जैसा हम जानते हैं, चुनाव के वर्ष का जो बजट होता है वो पूर्ण बजट नहीं होता, वो एक माध्यम होता है और सामान्यतः एक आधा कहीं कोई अपवाद रहा हो तो रहा हो। नीतिगत फैसले इस बजट के अंदर नहीं किए जाते तथा इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, क्योंकि वो सरकार का नीति वक्तव्य होता है, उसके अंदर भी कोई नई घोषणा उसी मर्यादा का पालन करते हुए सरकार नहीं करती है, उस अभिभाषण के माध्यम से भी उस संयम को वो पालन करती है। तो स्वाभाविक ही चुनाव के वर्ष में सरकार, चाहे वो अभिभाषण हो राष्ट्रपति जी का और चाहे वो बजट हो, अपनी उपलब्धियों के संबंध में कुछ चर्चा करती है, कुछ टारगेट्स वगैरह तय करती है, परंतु लुभावने वायदे नहीं करती। और इस संयम का माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरी तरीके से इस बार पालन किया है। आप चाहे अभिभाषण देखें और चाहे आप बजट का जो प्रस्तुतिकरण वो भी देखें, तो ऐसी कोई घोषणा कुछ हो सकती थी, लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये होगा, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार अपने कार्य के दम पर जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाएगी। गठबंधन के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके फटे हुए कपड़े सबको दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैंने ये कहा था कि उनका हाथ दाल तो ये बना रहे हैं, दाल तो इनकी अब बन रही है, पर जूते तो पहले से तैयार हैं, तो उसी में दाल बट रही है। और मैं समझता हूँ कि गठबंधन का कोई ना कोई नैतिक आधार था, गठबंधन की ना साख थी। गठबंधन जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों का एक ऐसा जमघट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिक उपलब्धि के लिए दूसरे दल का उपयोग करना चाहता है, तो इसलिए उसको बिखर नहीं था। आप चाहे वो बंगाल देख लीजिए, आप चाहे बिहार में आ जाइए, आप चाहे पंजाब में चले जाइए, आप दिल्ली में आ जाइए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, गठबंधन नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। ये लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों का, दिशाहीन लोगों का एक जमघट है और जिनकी कोई साख नहीं है। इन लोगों को अवसर बहुत मिले हैं, लेकिन उन अवसरों का इन्होंने उस ढंग से उपयोग नहीं किया कि जनता इनके ऊपर भरोसा कर सके। 4 वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कहते आ रहे हैं कि हम इसी ढंग से काम करेंगे, जाति के अंदर हम देश को, धर्म के अंदर हम देश को नहीं बांटेंगे। तो गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, उनके सशक्तिकरण और उनको राहत पहुंचाने के काम निरंतर सरकार ने किए हैं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, 5 वैदिक कुछ हमको कहना हो तो आप ये देखें कि
चाहे वो गरीबों का विषय हो, जितनी योजनाएं प्रारंभ हुई उनका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने भी किया उसके अंदर भी है, या महिलाओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, या युवाओं का विषय हो, तो सभी विषयों के ऊपर ये बात की गई है। आज माननीय अडवाणी जी को भारत रत्न, हम भाजपा के कार्यकर्ता भावुक हैं, हम कार्यकर्ता के भाजपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के तो निर्माताओं में से हैं, 1980 में भाजपा का जन्म हुआ। हालांकि अडवाणी जी तो जनसंघ का जो संस्करण था उस तब से निरंतर काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिस प्रकार से खड़ा किया, अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी पूरे देश में दुनिया में प्रसिद्ध थी। एक वक्त हम दो रह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रख करके और जो परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया, और भाजपा फोकस के अंदर आई। आपने ध्यान दिया, वो कहा करते थे कि हमको लोग एक हंगल की तरह एक फिल्मों का साइड का अभिनेता समझते थे, लेकिन अब हम फोकस में आ गए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसकी संपूर्ण संरचना, उसको करना, उस पर कठोर परिश्रम करना, ये अडवाणी जी का विषय। और लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो सरकार में रहे हों और चाहे वो संगठन में रहे हों, जिस मर्यादा का उन्होंने सदैव पालन किया वो बहुत अद्भुत है। अर्थात उनको भारत रत्न देना, हम गदगद हैं और हम माननीय अडवाणी जी को प्रणाम करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार का हम अभिनंदन करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fadbai.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।